सिद्धांत विहीन राजनीति के इस कठिन और संकटकालीन परिवेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे जन चेतना क्रांति मंच के समर्थित उम्मीदवार राकेश कुमार यादव ने मंगलवार 13 अक्टूबर को मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दर्ज किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विजय रंजन ने नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया है और जनता ने उनके कुकृत्य को अच्छे तरीके से देखा और समझ लिया है। अब बदलाव का समय आ गया है और जनता को नए विकल्प को मौका देना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ एक ही लाइन काफी है कि पिछले दो दशकों से ये आदमी अपने लखनऊ, अपने मधेपुर, अपने झंझारपुर, इवन तक कि अपने से जुड़े लोगों को संपूर्ण जिला, जहां तक इनकी रेंज जाती है वहां तक ये आदमी 24 घंटा आपके सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया। ये सभी लोग जानते हैं। राकेश यादव के स्कूल से सभी लोग अवगत थे और राकेश जी कमिटमेंट दे रहे आपको क्या क्या ऐसा नहीं चाहिए आपको। राकेश यादव भी चाहिए मुझे। हमारे यहाँ धर्म को तरजीह नहीं दी जाती है। कल भी हम लोग परसों में उन्होंने बताया था, इतने टुकड़ों में बांट दिए गए हम लोग जाति में, धर्म में, ये यादव है, ये पासवान है, ये ब्राह्मण है, ये वो है, ये इसका वोट बैंक है, ये फलाना कुशवाहा जी का वोट बैंक है, इसके मालिक तो फलाना यादव जी है, इसके मालिक तो फलाना कृषि कुमार जी है। अरे जनता नहीं हो गया, समान हो गया क्या? आपका कोई जाति पाति के नाते आपका कोई वोट का मालिक है? आप किसके गुलाम है? तो हर जाति पाति धर्म के बंधन को तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपको झंझारपुर से समस्त भ्रष्टाचार का सफाया करना है। ये कमिटमेंट देता हूँ आपको। एक राकेश जी अगर ये अपने कमिटमेंट में खड़ा नहीं उतरे, ये आपके बीच में है, दूसरा एक दरवाजा मैं अपना दे रहा हूँ। आप मेरे पास भी आना, मेरे भी गिरे बाण पे हाथ रखना और फोन पर कह रहे डॉक्टर विजय रंजन जी, आप 13 अक्टूबर 2020 को बदरपुर में ये बोल के गए थे कि सारे भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा करने में आपके सहायक होगा। यकीन मानिए भ्रष्टाचार खत्म होगा। यकीन मानिए जो आपने पिछले 10-20 सालों में नहीं देखा वो इस बार होगा। हमें नहीं पता बिहार में किसकी सरकार बनेगी, हमें नहीं पता किस तरह की बात है, कितनी अहमियत है, आपका जुकान, आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो मसला नहीं है। पहले आप अपना झंझारपुर बचा लीजिए, पहले आप अपना झंझारपुर बदल लीजिए, उसके बाद आप सरकार बदल लीजिएगा, उसके बाद आप सरकार बदल लीजिए। पहले अपना झंझारपुर बचा लीजिए, आपका बेटा आपके लिए हाजिर है। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी देर हो गई है, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, हम लोग अभी बारंबार मिलेंगे कहीं ना कहीं। हम लोग आने वाले 20 दिन में समय चलते चलते एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे जो सारे बैठे लोग हैं वो राकेश भाई के विचारों से, राकेश भाई के वादों से सहमत है? वादों से सहमत है? दो वादा अभी मैं चुकी झंझारपुर में बाजार के पास हूँ, यहाँ के लिए दो वादा करता हूँ। अगर कोई बोले तो अगर राकेश यादव अगले टर्म में एमएलए है तो 1 साल के भीतर आपकी ये जो ये ड्रेनेज का सिस्टम है, रेलवे की वजह से मरक बना हुआ झंझारपुर, अगर 1 साल में दूर नहीं हुआ मैं इसकी बात करेंगे। राकेश जी 1 साल में दूर होगा, 1 साल में दूर होगा और झंझारपुर का जिला भी 2 साल के भीतर होगा। धन्यवाद, आप सब लोग राकेश जी के साथ रहिए। डॉक्टर विजय रंजन ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सरकार ही क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। मैं अक्सर ये समझने की कोशिश करता हूं कि कैसे राजनीति या सरकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है और बिहार को आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की कल्पना करना तो जैसे स्वप्न देखने के बराबर है। इस सपने को पूरा किया जा सकता है जिस हेतु राजनीति से अगर भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो बड़े आसानी से किसी भी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करके ही राजनीति से भ्रष्ट नेता को बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सच्चे और शिक्षित युवा ही राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जन चेतना क्रांति मंच राजनीति में अच्छे लोगों की कमी को पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने समाज से आह्वान किया कि जन्म लेने के बाद और मरने तक राजनीति हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भी यह कर्तव्य है कि बेहतर राजनीति के लिए अपना योगदान जरूर करें। एक भ्रष्टाचारी नेता को चुनने से अच्छा है कि आप बिना नेता के रहें। अब यह आपको तय करना है कि आप किसको चुनते हैं।
बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।